अल्पसंख्यक दर्जे पर हुई सुप्रीम सुनवाई, और आज अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अजीज भाषा वाला फैसला पलटा है और अल्पसंख्यक वाले दर्जे पर फैसला बाद में होगा। अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसले के लिए बनाई गई नई बेंच, 3 जजों की बेंच बाद में एमयू पर फैसला सुनाएगी। तो इन 3 जजों की बेंच तय करेगी कि एमयू संस्थान अल्पसंख्यक दर्जे में आता है या नहीं। 3 जजों की बेंच बाद में यह तय करेगी कि मापदंड क्या होंगे, यह तय किया जाएगा बाद में, क्योंकि अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर की जो फैसला है उस पर सुनवाई हुई और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। लेकिन अब 3 जजों की बेंच का गठन किया गया है जो बाद में मापदंड तय करेगी कि इस यूनिवर्सिटी में यानी कि एमयू में जितने टीचर्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मापदंड क्या रहेंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक में भी तमाम जातियां हैं, तमाम समीकरण हैं, और किसके लिए क्या अल्पसंख्यक दर्जे के अंतर्गत मापदंड होगा ये तय किया जाएगा 3 जजों की बेंच के द्वारा। हालांकि 4-3 के मत से यहाँ पर फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुनाया गया है, जहाँ 4 जजों ने अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखने पर फैसला सुनाया और दूसरी तरफ 3 जजों की ओर से नोटिस दिया गया। तो अब ये देखना होगा कि 3 जजों की जो बेंच बनाई गई है वो आखिर आगे क्या फैसला लेती है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ। इसका दूरगामी परिणाम होगा। 1967 में अजीज पासा का जो फैसला आया था जिसने अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त किया था, उसे निरस्त करते हुए पुनः का स्टेटस बहाल किया। अभी फैसला चल रहा है, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, पर मीडिया के हवाले से जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर अजीज पासा का फैसला निरस्त हो गया तो पूर्व दर्जा कायम रहेगा माइनॉरिटी का। जो 3 जजेस की बेंच भी डिसाइड करेगी वो भी इन 7 जजेस की जो बेंच का बहुसंख्यक का निर्णय है 4-3 का, उसका पालन करेगी। इस ऑनरेबल चीफ जस्टिस डिसीजन टू फर्दर एमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से 2005 में फैसला दिया गया था और ये फैसले में कहा गया था कि एमयू अल्पसंख्यक दर्जे में नहीं आती। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एमयू की ओर से एक अर्जी दाखिल की गई, हालांकि 2016 की तत्कालीन सरकार ने भी अर्जी दाखिल की थी, उसे बाद में वापस जरूर ले लिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक विचार विमर्श के बाद आज ये फैसला आता है। आज सुनवाई हुई और 4-3 के बहुमत से फैसला आता है और अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखने पर फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट की 7 मेंबर बेंच ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के सिलसिले में जो आज बातें कही हैं उसको हम लोग वेलकम करते हैं, और जो ये बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अपना फैसला था 1967 का उसको ओवर रूल कर दिया है, और जाहिर सी बात है कि इससे उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर के खिलाफ जो फैसला था वो हम ये समझते हैं कि इस फैसले से वो फैसला ख़त्म हो जाता है। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के सामने 1967 में बात कही गई थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुसलमानों ने अपने चंदे से और मुसलमानों के एजुकेशन के लिए ही कायम किया था। लिहाजा आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 जजेस की बेंच बनेगी और वो इस बात को डिटरमाइन करे कि क्या फैक्ट्स हैं और क्या फैक्चुअल हकीकत है कि इसको गोया मुसलमानों ने इस्टेब्लिश किया था कि नहीं किया था,